हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए। तो एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम यहां पर कंप्लीट रीजनिंग और क्वांट और जीए आप लोगों को करवा रहे हैं। तो रीजनिंग और क्वांट का तो एक एक कोर्स हम लोगों ने रेट स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप क्वांट का देख रहे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, और मेरा यहाँ पर चल रहा है फ्लोर बेस्ड पजल्स का। ठीक है, मैं कंप्लीट आपको फ्लोर बेस्ड पजल्स करवाने वाली हूँ फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो हम लोगों ने 50 का टारगेट लिया है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 50 का टारगेट ले रही हूँ, लेकिन अभी जितने भी देखते हो पाते हैं उतने कंप्लीट करेंगे। अब एक जो मैं लूँगी वो प्रीलिम्स की लूँगी और एक मेंस की लूँगी। तो जो लास्ट की मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने प्रीलिम्स की एक आपको फ्लोर बेस्ड पजल करवा दिया। आज का जो रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो ये सेट 2 है। सेट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। हम कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल पर आप क्लिक नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप अपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ सर्च कीजिए दिव्या गुप्ता एंड अनुपमा रानी, तो वहाँ पर आपको हमारी प्रोफाइल मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं हमने इतने सारे कोर्सेज क्वांट और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के बनाए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हो। तो अनअकैडमी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लोर बेस्ड जो पजल लिया है वो कुछ इस तरीके से है। 7 प्रोफेशनल्स PQRSTUV लिव इन अ बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कि 7 प्रोफेशनल्स हैं, PQRSTUV एक बिल्डिंग में रहते हैं 7 फ्लोर की। द फ्लोर वर नंबर्ड 1-7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब कि इस तरीके से बॉटम से टॉप तक 7 फ्लोर दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, देयर वर 3 डॉक्टर्स, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, 2 प्रोफेसर्स हैं और 2 यहाँ पर लॉयर हैं। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है द पर्सन हूज नेम वर इन कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि जिनके भी नाम कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं नॉट लिव ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स, वो एक साथ नहीं रहते हैं। क्यू डिड नॉट लिव कंजिक्यूटिवली विद PR एंड वाइस वर्सा, जैसे कि देखो क्यू जो है वो कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट मतलब P और R के साथ में नहीं होगा। मान लो अगर क्यू 6th फ्लोर पे आ गया है तो P और R नीचे 5th पर और ऊपर 7th पे नहीं होंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 7 फ्लोर ले लिए जो आपको दिख रहे होंगे। अब हमें इसके अलावा क्या पता है कि यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, 2 प्रोफेसर्स हैं और 2 लॉयर हैं। क्लियर है, फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है। अब देखो, हमेशा पहले स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करो, जितनी जल्दी स्टेटमेंट लिखोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 3-4 मिनट लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। चलो स्टार्ट करें फिर। एस फ्लोर नंबर वॉज ट्वाइस एस क्यू फ्लोर नंबर, मतलब कि जो एस का फ्लोर नंबर है वो ट्वाइस है क्यू के फ्लोर नंबर का। तो जल्दी से आपको बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि एस का जो फ्लोर है वो क्यू का डबल है। क्लियर है, चलो तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे बोला जा रहा है हु वॉज अ डॉक्टर, मतलब हु हमेशा यूज होता है बाद वाले पर्सन के लिए, मतलब क्यू जो है वो एक डॉक्टर है। आगे है टी हैड द सेम प्रोफेशंस, अच्छा ये वाली लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी है हमें कि टी हैड द सेम प्रोफेशन एज ओनली वन अदर पर्सन हु लिव्ड ऑन फ्लोर नंबर 1। सी, ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है कि टी का प्रोफेशन सेम उसी के जैसा है अकेले जो कि फ्लोर नंबर 1 पर रहता है। क्लियर हुआ आप लोगों को,
मतलब कि जो फ्लोर नंबर वन पर रहता है वो पर्सन और टी वाला पर्सन, इन दोनों का प्रोफेशन सेम है। इसका मतलब ये कंफर्म है टी फ्लोर नंबर वन पर नहीं होगा। टी 2 से लेकर 7 तक कहीं भी हो सकता है, तो जहाँ पर भी टी होगा वो, और जो फ्लोर नंबर वन पे होगा वो, इन दोनों का जो प्रोफेशन होगा वो सेम होगा। या तो दोनों क्या होंगे, या तो दोनों डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, लॉयर होंगे। लेकिन अब सुनो, एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली, तो ओनली का मतलब ये होता है कि केवल और केवल यही दो ऐसे पर्सन हैं जिनका प्रोफेशन सेम है, अदरवाइज जो प्रोफेशन इनका होगा वो किसी और का नहीं होगा। तो आपको यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टी और ये फर्स्ट वाला डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डॉक्टर हुआ तो 3 डॉक्टर हैं यहाँ पर, 2 ये हो जाएंगे, तो 1 डॉक्टर हमें डेफिनेटली किसी और को लेना पड़ेगा। और हमसे बोला गया है कि ओनली का केस है, हम किसी और को नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ आप लोगों को, स्टार्ट करते हैं आगे। पी वॉज अ प्रोफेसर, पी एक प्रोफेसर है एंड लिव जस्ट अबव वन ऑफ द डॉक्टर, और कोई एक डॉक्टर के जस्ट ऊपर है, मतलब प्रोफेसर के जस्ट नीचे डॉक्टर आएगा। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन वी और आर, वी और आर के बीच में 3 फ्लोर हैं। वी लिव ऑन, वी लिव्ड ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव आर, अब वी का जो फ्लोर है वो आर के ऊपर है, इट मीन्स वी का ऊपर है और 3 फ्लोर छोड़ के वी के आर बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ लॉयर लिव जस्ट अबव क्यू, मतलब एक ऐसा लॉयर है जो क्यू के जस्ट ऊपर है। एस एंड वी डिड नॉट हैव द सेम प्रोफेशन, एस और वी का सेम प्रोफेशन नहीं है। तो देखो, कभी भी ऐसे सेम, इक्वल, नॉट इक्वल की बात हुआ करे ना, तो हमेशा इक्वल और नॉट इक्वल का यूज़ किया करो। अगर सेम की बात हो रही है तो इक्वल यूज़ करो, अगर सेम की बात नहीं हो रही है तो नॉट इक्वल यूज़ करो। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारे के सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए अच्छे से। तो अब जब हमें स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं तो अब हमें क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, अब हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं, बस हमें ये पता है कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलो तो अब हमने क्वेश्चन को हटा दिया, जैसे मैंने हटा दिया ना, स्लाइड से ही हटा दिया, पेज से ही हटा दिया, आप अपने बिल्कुल भूल जाओ कि कोई क्वेश्चन था। अब हमारे पास में सारी चीज़ें दे रखी हैं हमारे सामने। अब हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ पहले ये वाली है कि एस जो है वो क्यू के डबल फ्लोर पर है। तो अगर मान लो क्यू फर्स्ट फ्लोर पर हो गया तो एस 2 पर हो जाएगा, अगर क्यू 2 पर हो गया तो एस डबल 4 पर हो जाएगा, अगर Q 3 पर हो गया तो S 6 पर हो जाएगा। अब अगर Q 4 पर हो गया तो डबल 8 होता है, लेकिन भैया 8 फ्लोर तो है ही नहीं, तो 8 फ्लोर जब हमारे पास है नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम केवल 3 फ्लोर तक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पर केवल 3 ही फ्लोर पे काम हो सकता है, कि Q या तो 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, और जब Q 1 पर आएगा तो S 2nd फ्लोर पर होगा, जब Q 2 पर आएगा तो S 4th फ्लोर पर होगा, और जब Q 3rd पर आएगा तो S 6th फ्लोर पर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलो तो जल्दी से फिर इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया Q को 1st पर, Q को 2nd पे, Q को 3rd पे, और हमें ये भी पता है कि Q का प्रोफेशन डॉक्टर है, सो नोट डाउन Q डॉक्टर, Q डॉक्टर, Q डॉक्टर। अब जब Q 1st पे आया तो S 2nd पे, Q 2nd पे आया तो S 4th पे, Q 3rd पे आया तो S आ गया 6th पर। क्लियर है। अब हमें आगे क्या पता है कि Q के जस्ट ऊपर कौन बैठा हुआ है, लॉयर। ठीक है, जब Q के जस्ट ऊपर लॉयर है तो यहाँ पे Q के जस्ट ऊपर सब जगह लॉयर कर दो जल्दी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर Q के जस्ट ऊपर सब जगह लॉयर कर दिया, और जितनी चीज़ होती जाए उन चीज़ों को कट करते जाओ। अब देखो, हमें काफ़ी अच्छे से एक चीज़ पता है कि टी जो है उसका फर्स्ट वाले जैसा प्रोफेशन है, बट ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी कि टी डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि टी और फर्स्ट वाले ही ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन सेम है, अदरवाइज़ कोई भी उन जैसे प्रोफेशन का नहीं होगा। तो डेफिनेटली बात हो गई कि टी या तो प्रोफेसर हो जाएगा या फिर टी लॉयर हो जाएगा। क्लियर है सबको, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी।
ठीक है चलो, तो टी या तो प्रोफेसर होगा या लॉयर होगा। और जैसे ही हमने ये कंडीशन देखी कि टी प्रोफेसर है या लॉयर है, तो फर्स्ट फ्लोर वाला भी प्रोफेसर या लॉयर होगा और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वाला डॉक्टर है, तो यही कंडीशन हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी और ये वाला जो है ये हमारा एकदम गलत हो गया। क्लियर है सबको? चलो अब हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये चीज़ पता है कि टी या तो प्रोफेसर होगा या लॉयर। अब हमें एक चीज़ और पता है कि अगर टी प्रोफेसर हुआ, ठीक है मान लो अगर टी प्रोफेसर हुआ और पी ऑलरेडी प्रोफेसर है, तो दो ही लोग प्रोफेसर हो सकते हैं। अब हमें डेफिनेटली बात है कि जब टी प्रोफेसर है तो पी को फ्लोर नंबर वन पे बैठाना पड़ेगा, लेकिन पी फ्लोर नंबर वन पे नहीं जा सकता क्योंकि अगर पी हमारा फ्लोर नंबर फर्स्ट पे चला गया तो उसके जस्ट नीचे डॉक्टर को कहाँ बैठाओगे, कोई फ्लोर बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अब कंफर्म हो गया कि टी प्रोफेसर भी नहीं होगा, अब टी डेफिनेटली लॉयर होगा और फ्लोर नंबर फर्स्ट पर भी लॉयर आएगा। ठीक है, तो अब मैंने आगे वाली स्लाइड में हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि पी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें ये कंफर्म हो गया कि टी यहाँ लॉयर हो गया और फर्स्ट वाला भी लॉयर हो गया और यहाँ पर भी सेम होगा, ये लॉयर की जगह पर टी आ जाएगा और फर्स्ट वाला यहाँ पर लॉयर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है, तो ये चीज मैंने क्लियर कर ली। अब आप लोगों के पास में एक चीज है काफी अच्छे से कि V और तीन छोड़ के R है। ठीक है, अब जरा हम ये वाली कंडीशन देखते हैं कि ये कहां कहां बैठ पाएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन हमारी वैसे ही गलत हो गई क्योंकि हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर साथ में नहीं आएंगे और एस के बाद में टी आता है और एस और टी साथ में नहीं बैठ सकते, तो ये वाली कंडीशन हमारी यहीं पर गलत हो गई। क्लियर सबको? अब बची ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन को देखते हैं काफ़ी अच्छे से। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है, पी प्रोफेसर है डॉक्टर है, पी यहाँ नहीं आ सकता डॉक्टर कहाँ रखोगे, पी यहाँ नहीं आ सकता डॉक्टर कहाँ रखोगे, तो पी डेफिनेटली आ जाएगा सेवन पर। ठीक है, और अगर पी हमारा सेवन पर आ जाएगा तो पी हो गया हमारा प्रोफेसर और उसके जस्ट नीचे वाला हो गया डॉक्टर आ गया। अब हमें पता है वी से तीन छोड़ के आर है, तो वी आ जाएगा फाइव पर और एक दो तीन छोड़ के नीचे वन पर आ जाएगा आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वी और आर को इस तरह रख लिया। अब आपको ये चीज पता है कि प्रोफेसर तो अभी एक ही हुआ है, ठीक है, डॉक्टर हमारे पास दो हो गए, मतलब अब एक डॉक्टर और आएगा और लॉयर तो हमारे कंप्लीट है। अब हमें पता है एस और वी का सेम प्रोफेशन नहीं है, इट मींस अगर एस डॉक्टर है तो वी डॉक्टर नहीं होगा, लॉयर दो हो चुके हैं, तो मतलब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि हमारा एस डॉक्टर है तो वी नहीं होगा, तो वी हो जाएगा हमारा प्रोफेसर। ठीक है, तो हम जल्दी से लिख लेंगे कि वी हो गया हमारा प्रोफेसर। अब हमारे पास केवल और केवल क्या रह जाएगा, पी प्रोफेसर हो गया, दो डॉक्टर हो गए, एक डॉक्टर और चाहिए, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो जल्दी से हमने एक डॉक्टर को लिख लिया यहाँ पर और कौन सा अल्फाबेट बचा है, केवल यू, तो यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेट अच्छा लगा होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये सेट। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो ना तो एक और बार वीडियो को देखना, बट आई होप आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जाइएगा। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगी, कल एक कमेंट मिला मुझे मेरी फर्स्ट वीडियो में कि मैम हिंदी में भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो डेफिनेटली ये बस एक वीडियो और थी जो इंग्लिश में ही थी, जिसका सॉल्यूशन इंग्लिश में था, बट अब जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये लास्ट वीडियो थी, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अच्छा, एक बात और, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फ्लोर बेस्ड पजल है ना जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप सेंड कीजिए मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो लेकर आती हूँ। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।